प्रिवेंशन पार्ट देखिबो के ट्रीटमेंट पार्ट देखिबो यू विल फॉलो द नोट्स बुझी पारिल तमाने नोट्स को फॉलो करिबो तेने कि तमाने बुझी पारिबो देन इट इज कंप्लीटेड योर प्रिवेंशन पार्ट अनदर पॉइंट इन द प्रिवेंशन पार्ट इज इंक्लूडेड द वायरस डिसइन्फेक्टेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट द कॉमन कोल्ड बुझिपार पे भाइरस डिसइनफेक्टेंट यूज करा जाए भाइरस डिसइनफेक्टेंट माने कौन तुमर जोटा कि भाइरस किल कर बुझेगा कि जो मेडिसिन जे भाइरस को किल कर भाइरस डिसइनफेक्टेंट कहुए बुझेगा भाइराल भाइराल इनफेक्शन को ये कौन कर मिनिमाइज कर बुझेगा एगुड़ाक भी तुम यूज कराए कौन यूज कराए कौन ना टू ट्रीट दि कमन कोल्ड सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज द अल्टरनेटिव मेडिसिन आर यूज फॉर कॉमन कोल्ड व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेडिसिन टू यूज टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड सो देन पे आम आसिले द अल्टरनेटिव मेडिसिन सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेडिसिन वी विल यूज टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड द फर्स्ट वन इज द इक्टिनासिया बुझीला इक्टिनासिया बुझिपारिल तो इक्टिनासिया हूँ गोटे मेडिसिन जोटा को कौन पे यूज करा जाए ना कॉमन कोल्ड को प्रिवेंट करने लगे यूज करा जाए फर्स्ट है इक्टिनासिया देन द विटामिन सी मेडिसिन बुझीला प्रथम तुम इक्टिनासिया यूज करा जाए दु नंबर आसला विटामिन सी मेडिसिन गुड़ाक यूज करा जाए कौन यूज करा जाए ना टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड देन द थर्ड वन इज योर हनी हनी इज ऑल्सो यूज तुम महु भी यूज करा जाए महु जनरली साधारणतः घरे भी यूज करा जाए महु तुलसी पत्र अदा एगुड़ाक यूज करा जाए तुम साधारण थंडा पाए एगुड़ाक किए यूज करते जदि आम घर किए बुढ़ीमा था से परामर्श दिखती जे महु तुलसी पत्र अदा एगुड़ाक सब यूज करवा लगे देन द थर्ड पॉइंट इज हनी इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड देन द जिंक लोजेंजेस बुझेगा द जिंक लोजेंजेस आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड बुझेगा जिंक लोजेंजेस माने कौन पिला माने ना जिंक रे व्यवहृत होता किसी मेडिसिन भी आम कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने लगे यूज करा जाउथिला बुझेगा यूज करा जाउथिला एगुड़ाक एगुड़ाक आउ यूज करा हो ना कौन पे एगुड़ाक यूज करा हो देख इन 2009 बुझेगा 2009 द फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव वार्न टू यूज द जिंक प्रोडक्ट्स फॉर कॉमन कोल्ड बुझेगा तुमर 2009 कौन है ना 2009 फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव बुझेगा खाद्य आ मेडिसिन रो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा से कौन कले वार्न कले वार्न कले माने कौन मना कले कौन पे मना कले ना जिंक प्रोडक्ट गुड़ाक साधारण थंडा व्यवहार करने लगे से मना कले बुझेगा दिस सो दिस इज द अल्टरनेटिव मेडिसिन व्हिच आर यूज टू ट्रीट द कॉमन कोल्ड सो इन द कॉमन कोल्ड वी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट द सिम्टम्स द डायग्नोसिस द ट्रीटमेंट एंड अबाउट द प्रिवेंशन एंड द अल्टरनेटिव मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट डिजीज इज एमओई बायोसिस सो
Then we will discuss about the MOE biases. MOE biases is another type of disease which is affect the adult, the children as well as the old peoples. And it is also known as the amoebic dysentery. Amoebasis hochi gote disease jahata jouta ki tamaro choto chua budha adult person samastanku eta affect kore bujhela amoebasis hele kon hobo lokmanakar dysentery hobo lokmane jhada hebe bujhela to eta generally kothi dekha jae jouti tamaro aswasthyakar paribesh dekha jae to environment which has the poor sanitary condition, in that case the amoebasis is a sin. Then the introduction part of amoebasis. So we will discuss the introduction part. So what are the introduction of amoebasis? It is also known as the amoebic dysentery. So it is also known as the amoebic dysentery. Bujhela na bujhipallani. So amoebasis ko tamaro amoebic dysentery bhi pila mane kuha jaye bujhi parila. So it is also known as the amoebic dysentery. Amoebic dysentery mane tamaro ei rog hele generally rog mane kon huanti jhada huanti bujhi hela. So it is yara bhi gote parasite achi jehetu eta gote disease to yara bhi gote parasite achi bujhi hela. Ya parasite ta kon entamoeba histolytica bujhi hela eta gote organism single cell organism entamoeba histolytica and the entamoeba histolytica is caused the amoebasis disease. Bujhela then our next point is it is caused by entamoeba histolytica. So the amoebasis is caused by the entamoeba histolytica. It is a organism. बुझेला पिला माने तमर एमोबासिस डिजीज कहा द्वारा हुए ना एंटामोबा हिस्टोलिटिका द्वारा हुए एंड एंटामोबा हिस्टोलिटिका इज डिस्कवर्ड बाय इट इज डिस्कवर्ड बाय लॉश इन 1873 मसीहारे लॉश नामक जन वैज्ञानिक द्वारा एंटामोबा हिस्टोलिटिका आविष्कार होता एथपाई उद्भावन हो ना कहीं एंटामोबा हिस्टोलिटिका अलरेडी थी ये आइडेंटिफाई करते ये आउ थे रिजेनरेट कर बुझिपार तो लॉस आइडेंटिफाई करते एंटामोबा हिस्टोलिटिका को सो लॉस वाज डिस्कवर्ड द एंटामोबा हिस्टोलिटिका बुझेगा आया कही एंटामोबा हिस्टोलिटिका द्वारा गोटे डिजीज होता ना है एमोबाइसिस बुझेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एमोबाइसिस. सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एंटामोबा हिस्टोलिटिका एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटामोबा हिस्टोलिटिका एंड द अदर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ एमोबाइसिस. सो दिस इज ऑल अबाउट. थैंक यू.